चलानी है, जो आज तक चली नहीं है, वही लाइफ स्टाइल की स्पीड है, उस स्पीड को हम 10 गुना आगे बढ़ा देंगे अपने ग्रुप की, ठीक है जी। और वाले गौर करने पे मजबूर हो जाएंगे आज। दोस्तों नमस्कार, आज मैं राजस्थान जा रहा हूँ, नागौर एक जगह है राजस्थान से थोड़ा आगे बीकानेर के पास में, तो वहीं नागौर जा रहा हूँ। और बस अभी यहाँ से मेट्रो लूँगा, दिल्ली साइड रेला से हमारा ट्रेन है राजस्थान संपर्क क्रांति, तो देखते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं आप सबों के साथ। दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पे हूँ और अभी कुछ देर में ट्रेन आने वाली है, ये स्टेशन का नजारा, ट्रेन बहुत सारी लगी पड़ी है। दस 35 में ट्रेन यहाँ से खुलेगी और सुबह कल 7:30 बजे पहुँच जाएगी। हम लोग नागौर स्टेशन पे आ गए हैं और भूपेंद्र सर हमारे साथ हैं, ट्रेन 15 मिनट लेट पहुंची है, तो बस अब होटल की तरफ हम लोग जाएंगे और होटल लेंगे। ये नागौर का स्टेशन जिसके फ्लाईओवर से मैं पिक ले रहा हूँ, नागौर राजस्थान में एक जगह जो बीकानेर के पास में है। ब्रेकफास्ट के लिए पास के होटल में जा रहे हैं, होटल राज में हमने स्टे किया हुआ है, जीसी सर यहाँ पहले से मौजूद थे, हमारे भगवान विष्णु जी। We are going to rock. अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आगे का सीरियल हमारा स्टार्ट होगा। हम लोग पास के एक होटल में आए, वहाँ पे क्या है, छाछ हम लोग पी रहे हैं, यहाँ की स्पेशल छाछ है, स्पेशल छाछ है, अभी नागौर टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है। अभी भूपेंद्र सर टेस्ट, सर टेस्ट कीजिए। हाँ जी, ये छाछ यहाँ की स्पेशल है, नागौर की है ये, बहुत बढ़िया। मेरे मित्र आर डी बालिया जी ने ये मेरे को रेस्टोरेंट दिखाया है, आर डी बालिया जी का नाम मीडिया में चल रहा है। यहाँ का फेमस मेथी का पराठा।
अभी आज हम लोग जीसी सर को छोड़ने के लिए नागौर रेलवे स्टेशन पर आए हैं और जीसी सर वापस जा रहे हैं दिल्ली, और हमारे भूपेंद्र सर, हमारे बालिया सर। हाँ जी बालिया सर। अभी कल हमारा एक छोटा प्रोग्राम होने वाला है, फिर उसके बाद 15 को हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे, उसके बाद नागौर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाना जाएगा। सुबह हो गया और हम लोग आज तैयार हो रहे हैं प्रोग्राम के लिए, तो अभी 11 बजे से प्रोग्राम है पास के दूसरे होटल में, करीब 40-50 लोग होंगे उसके अंदर, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो अब तैयार होने का टाइम हो गया। हम लोग अब रेडी हो चुके हैं आज के प्रोग्राम के लिए, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। भूपेंद्र सर भी बिल्कुल रेडी हैं और आज रॉक करने वाले हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट नागौर शहर में, और आज MI लाइफ स्टाइल का आज झंडा बुलंद कर देंगे, बिल्कुल बच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल धमाका मचा देंगे हम लोग आज। नागौर वाले गौर करने पे मजबूर हो जाएंगे आज। हाँ ग्रेट सर, ओके। बड़े सेमिनार करने के लिए हम हमारे वो जेसी उपाध्याय जी आएंगे, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दें। पद में बड़े छोटे हैं, पार में बड़े छोटे हैं, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा है, वो दिव्या जी की तरह हमारे पद में बड़े हैं, है ना। वो दिव्या जी मेरे बिजनेस में आए, मेरे साथ थे, तो इनको भी जैसे समझ देते कि ये कोई इतना बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ देखो लोगों को लाके मिटाना है, चाहे कैसे ही मिटाए, क्यों हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी को उल्टा काम तो नहीं सिखा रहे, कुछ नक्सलवाद तो नहीं सिखा रहे, हम उसको एक अच्छे प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, तो हम सारे मिलकर अगर ये ताकत लगाएंगे तो अगली बार हमारी 250 की संख्या हो जाएगी, और आज ही आप सारे लोग 10-10,000 की परचेजिंग कर लोगे तो नागौर का इतिहास बनना शुरू हो जाएगा, तो पूरे राजस्थान के लोग आपकी डाउनलाइन बिजनेस में आएंगे, फिर पूरे हिंदुस्तान किसी डाउनलाइन में आएंगे, नागौर की डाउनलाइन में, यानी जो भाई जो गाड़ी सबसे तेज चलेगी तो यात्री तो उसी में बैठेंगे ना, तो गाड़ी को हमें सबको मिलकर बहुत तेज गति से चलानी है, जो आज तक चली नहीं है, भाई लाइफ स्टाइल की स्पीड है, उस स्पीड को हम 10 गुना आगे बढ़ा देंगे अपने ग्रुप की, ठीक है जी। तो हम बिल्कुल तैयार है 24 आवर आप लोगों के लिए, छुट्टी मैंने नौकरी से ले ली है और 31 मार्च तक मैं छुट्टी में रहूंगा और 31 मार्च के बाद रिजाइन कर दूंगा। डे वन से आपको इस बिजनेस में शामिल होकर अपने गोल सेट करके और कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं, पूरे इंडिया में बिजनेस बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। बस आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस नागौर से बस से दिल्ली की सर्विस है, थोड़ी सी सर्विस बढ़िया नहीं है, लेकिन मजबूरियों से जाना पड़ रहा है वापस। बहुत ही अच्छा सेशन रहा और नागौर के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो यहाँ से अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और फ्यूचर बहुत बढ़िया। मैं आपको नेक्स्ट जनरल गाने
दिखाता हूँ मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। स्टैंड एरिया बढ़िया है छोटा सा अच्छा है।